नोएडा में ई रिक्शा चालक को 90 सेकंड में जड़े 17 थप्पड़ देखे महिला की दबंग गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक महिला उस समय आग बबूला हो गई जब उसकी कार से एक ई रिक्शा टच हो गया। महिला ने हंगामा करते हुए ई रिक्शा चालक को थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि महिला ने महज 90 सेकंड में पीड़ित को 17 तमाचे जड़ दिए। आरोप है कि महिला ने उससे पैसे और मोबाइल भी छीन लिया। वहीं महिला की इस दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की भी लगातार टिप्पणी देखने को मिल रही है। टीवी एंकर शुभांकर मिश्रा ने वीडियो शेयर करके लिखा, गाड़ी टच होने पर 90 सेकंड में जड़े 17 थप्पड़। ई रिक्शा से गाड़ी टच होने पर एक महिला ने चालक को बाजार में जमकर पीटा। मामला नोएडा का है। पत्रकार मोहम्मद इमरान ने वीडियो शेयर करके लिखा, यूपी के नोएडा में एक महिला की गाड़ी रिक्शा से टच हुई तो उसने ई रिक्शा चालक को सरे बाजार जमकर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। पत्रकार काविश अजीज ने ट्वीट करके लिखा, लखनऊ वाली थप्पड़ गर्द की बहन लग रही है। पत्रकार अशरफ हुसैन ने ट्वीट करके लिखा, रिक्शा से टकराकर निकली कार तो कार चालक महिला ने रिक्शा ड्राइवर को 90 सेकंड में जड़े 17 थप्पड़ छीने। मोबाइल वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने महिला पर किया मामला दर्ज। पत्रकार आदित्य तिवारी ने वीडियो शेयर करके लिखा, थप्पड़बाज महिला, ई रिक्शा से गाड़ी टच होने पर एक महिला ने चालक को बाजार में जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, घटना नोएडा की बताई जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर नोएडा पुलिस का कहना है कि उक्त प्रकरण में ई रिक्शा चालक की शिकायत पर तत्काल थाना फेज 2 पुलिस द्वारा महिला को थाना पर लाया गया था तथा रिक्शा चालक की तहरीर के आधार पर उक्त महिला के विरुद्ध थाना फेज 2 नोएडा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मालूम हो पिछले साल लखनऊ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें एक कैब ड्राइवर को महिला ने बीच सड़क थप्पड़ जड़ दिए थे। महिला का आरोप था कि कैब ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी जबकि सीसीटीवी तस्वीरों में ऐसा कोई सीन दिखाई नहीं दिया। ड्राइवर का कहना था कि महिला होने के कारण मैंने उन पर हाथ नहीं उठाया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और लोग पुरुष आयोग को बनाने की मांग करने लगे। नोएडा में हुई इस घटना को आप कैसे देखते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि देश प्रदेश से जुड़ी हर वायरल न्यूज जल्द से जल्द आप तक पहुँचती रहे।